Hello students, in this video we will continue further with deep block elements. So in the previous video we had looked at the reducing nature of deep block elements. हम लोगों ने ये कहा था कि deep block elements जो होता है, अच्छा usually वो उनका जो common oxidation state होता है that is plus 2. So when I say reducing nature मतलब tendency to donate electrons, इसको हम लोग कहते हैं reducing nature. So, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में ये पढ़ा था कि कोई भी मेटल कितना आराम से इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है. सो उसके अंदर फिर हम लोगों ने वेरियस एस्पेक्ट्स देखे थे कि बेसिकली तीन फैक्टर्स जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट होता है डिसाइड करने में कि कौन सा मेटल कितना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है. सो द फर्स्ट फैक्टर वॉज हीट ऑफ एटोमाइजेशन. द सेकेंड फैक्टर दैट वॉज इम्पोर्टेंट वॉज आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट एंड सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी. एंड द थर्ड फैक्टर वॉज बेसिकली एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन. सो हाइड्रेशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक था एंड बाकी दोनों प्रोसेस जो थे वो एंडोथर्मिक थे, राइट? ओके, नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लुक एट डिफरेंट मोर प्रॉपर्टीज ऑफ डीप ब्लॉक एलिमेंट्स. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद द कलर प्रॉपर्टी. नाउ डीप ब्लॉक के जो भी सारे आयन्स होता है ना, डीप ब्लॉक आयन्स ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर कलर्ड. ओके, सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ डीप ब्लॉक आयन्स. वही अगर जो आप एस ब्लॉक आयन्स देखोगे या पी ब्लॉक आयन्स देखोगे, जैसे एस ब्लॉक में आता है Na+, K+, Mg2+, Ca2+, ये सारे व्हाइट होते हैं. बट ये स्पेशली डी ब्लॉक आयन्स जो होते हैं, दीज डी ब्लॉक आयन्स आर कलर्ड. जैसे आप ले दो Fe+2, Cu+2, इनका ना कलर होता है. बस यहाँ पे डी ब्लॉक आयन्स के अंदर एक ही आयन है, दैट इज एन एक्सेप्शन, दैट इज Zn+2. दिस इज कलरलेस एंड देर इज वन मोर स्कैंडियम प्लस थ्री. ये दोनों जो होते हैं ये दोनों कलरलेस होता है, बट बाकी सारे जो होते हैं बाकी सारे दे ऑल आर कलर्ड. ओके, सो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये कलर आता कहां से. ओके, नाउ ये जो आयन्स होते हैं डीप ब्लॉक आयन्स जो होते हैं, ये डीप ब्लॉक आयन्स का जो जनरल कन्फिग्रेशन होता है, सी डीप ब्लॉक मेटल आइटम्स का जनरल कन्फिग्रेशन क्या होता है, आर्गन 3d फ्रॉम 1 टू 10 एंड 4s 1 टू 2, ये इनका जनरल कन्फिग्रेशन होता है. यस, ओके. नाउ यूजुअली मेटल्स जो होते हैं ये सारे मेटल्स, ये एस के जो भी आयन्स होते हैं इनके एस के आयन्स ये डोनेट कर देता है. तो ये मेटल जब कैट आयन बनाता है, व्हेन इट इज कन्वर्टेड इनटू आयन्स, यूजुअली इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है इट इज फ्रॉम आर्गन 3d 1 टू 10. ओके, नाउ 3d 10 हटा दो, लेट्स रिमूव 3d 10. ओके, नाउ यूजुअली जो कन्फिग्रेशन हम लोग, क्योंकि 3d10 वो आता है आपको Zn+2 एंड Cu+1 के अंदर, ये 3d10 आता है, अदरवाइज ये 3d10 नहीं आता. सो यूजुअली ये जो मेटल आयन्स होते हैं डी ब्लॉक के, मेटल आयन्स जो होता है इनका यूजुअली कन्फिग्रेशन होता है फ्रॉम आर्गन 3d 0 टू 9. ओके, जहां पे डी ब्लॉक के अंदर या डी सबशेल के अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, जैसे फॉर एग्जांपल स्कैंडियम प्लस थ्री, टाइटेनियम प्लस फोर, से डी नाइन कॉन्फ़िगरेशन तक पॉसिबल है. ओके, नाउ ऐसे केस में क्या होता है, तो व्हाई आर दीज मेटल आयन्स कलर्ड. ओके, कलर के लिए हम लोगों ने एक तो पहले ये चीज पढ़ी हुई है ना, इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट देन the ion is colored and paramagnetic. Okay. Now यहां पे unpaired electrons की जरूरत नहीं होती. यहां पे हम लोग देखते हैं deep block elements में color क्यों आता है और किसके वजह से आता है. Okay. Now ये जो 3d subshell है, it has got 5 orbitals and usually ये degenerate होता है. Now when I say degenerate, ये जो पांचों orbitals है dxy, dyz, dxz, dx square y square and dz square,
यूजुअली ये जो पांचों ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑल दीज फाइव ऑर्बिटल्स हैव गॉट सेम एनर्जी, ये डी जनरेट होता है, दीज आर यूजुअली डी जनरेट। ओके, बट वॉट हैपन्स इज यूजुअली जब ये मेटल आयन किसी नॉन मेटल आयन के कॉन्टेक्ट में आता है, मतलब ये मेटल आयन दिस इज अ कैट आयन, जैसे ही किसी ये एन आयन के कॉन्टेक्ट में आता है या एन आयन के करीब आता है, क्या होता है कि ये जो पांच ऑर्बिटल्स होता है ये विच हैड इनिशियली इक्वल एनर्जी, दे ब्रेकअप इन टू टू ग्रुप्स। ओके, एक होता है ये ग्रुप ऑफ थ्री जिसको कहा जाता है टी टू जी ग्रुप, एंड दूसरा जो ग्रुप होता है बचे हुए दो ऑर्बिटल्स का होता है ई जी ग्रुप। सो दिस इज डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, दिस इज डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। नाउ यू माइट हैव दिस क्वेश्चन कि क्या हमेशा ये ई जी ग्रुप की एनर्जी ज्यादा होती है एंड टी टू जी ग्रुप की एनर्जी कम होती है? तो ऐसा नहीं होता, इट डिपेंड्स अपॉन कि जो भी कंपाउंड बन रहा है उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसा है या ये मेटल आयन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। ओके, इट विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन कि वो किस तरह के एन आयन के साथ कंबाइन कर रहा है। सो यूजुअली व्हेनेवर मेटल आयन्स, ये जो मेटल आयन्स है, व्हेनेवर दे कंबाइन विद एन आयन्स, तो जो आपको कंपाउंड्स मिलते हैं उन कंपाउंड्स की ज्योमेट्री दो टाइप की होती है। आइदर यू कैन हैव ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स या ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री और यू कैन हैव टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ओके, नाउ व्हेन आई से ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ओके, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में ऐसा होता है कि ये ई जी ग्रुप की एनर्जी ज्यादा होती है, टी टू जी ग्रुप की एनर्जी कम होती है। When you have a tetrahedral geometry, तो ये उल्टा हो जाता है, ये ई जी ग्रुप नीचे आ जाएगा, टी टू जी ग्रुप ऊपर चला जाएगा। ओके, नाउ why आर ऑल दीज थिंग्स इंपॉर्टेंट? ऑल दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज ये जो दो ग्रुप्स के बीच का ये जो एनर्जी डिफरेंस है, दिस एनर्जी डिफरेंस इज नॉट वेरी लार्ज। सो दिस एनर्जी डिफरेंस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द एनर्जी ऑफ विजिबल लाइट। So now when I say visible light, it is whip cure. Okay, इसको हम लोग कहेंगे ये जो सात कलर्स है, these basically constitute your visible light. So यहां पे ये जो दो ग्रुप्स के बीच का एनर्जी डिफरेंस होता है, इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द एनर्जी ऑफ वन ऑफ दीज कलर्स। सो अब हम लोग देखते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ता है, बिकॉज दिस एनर्जी डिफरेंस इज इक्वल टू द एनर्जी ऑफ विजिबल लाइट, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस ड्यू टू दिस। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ Fe+3 आयन। Fe+3 आयन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, दैट इज आर्गन 3D5। ओके, नाउ आर्गन 3D5, लेट्स से यहां पे डी के टोटल पांच ऑर्बिटल्स है, तीन का एक ग्रुप होता है, दो का एक ग्रुप होता है। नाउ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन विल गो ओवर हियर, सेकेंड विल गो ओवर हियर, थर्ड विल गो ओवर हियर। नाउ फोर्थ इलेक्ट्रॉन, देर आर टू पॉसिबिलिटीज, आइदर इट कैन गो ओवर हियर और इट कैन कम ओवर हियर। वो हम लोग जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, तब ये चीज कवर करेंगे। सो फोर्थ इलेक्ट्रॉन विल कम ओवर हियर, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन विल कम ओवर हियर। ओके, नाउ क्या होता है कि जब आप इस Fe+3 आयन पे जब आप लाइट डालते हो, ओके, सो इट इज बेसिकली विप क्योर। ओके, हाँ, मान लो ये जो दो ग्रुप्स है इनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है, लेट्स से दिस इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ ग्रीन लाइट। तो क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन इस ग्रीन कलर को अब्सॉर्ब करता है, ये ग्रीन कलर को ये अब्सॉर्ब करेगा तो ये एनर्जी गेन करके ये यहां पे चला जाएगा। तो यहां पे जाने के बाद जो लाइट रिलीज होगी, वो लाइट में कौन कौन से कलर्स होंगे जो लाइट रिलीज होगी,
दिस राइट विल हैव वी आई बी वाई ओ आर. ओके सो बेसिकली लेट से यू हैव दिस एफ ई प्लस टू आयन, इस पे आप विबग्योर अगर जो डालते हो वी आई बी जी वाई ओ आर, ये एफ ई प्लस टू आयन क्या करता है, या प्लस थ्री सॉरी, ये एफ ई प्लस थ्री जी को अब्सॉर्ब कर देता है. सो यहां से जो बाहर लाइट आती है इट विल हैव बी वी आई बी वाई ओ आर. नाउ ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये कॉम्बिनेशन वॉयलेट इंडिगो ब्लू येलो ऑरेंज रेड, ये कॉम्बिनेशन पता है कैसा दिखाई देता है? वन, ये आपको स्टार याद रखना है, वॉयलेट ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड. ओके सो यहां पे ये जो ये ग्रीन कलर अगर जो अब्सॉर्ब होता है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर रेड होता है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, दिस कॉम्बिनेशन विल अपियर रेड टू यू, कॉम्बिनेशन विल अपियर रेड. तो ये एफ ई प्लस थ्री आयन इट विल अपियर रेड टू यू. तो ये आपको समझ में आया आयन्स कलर्ड क्यों होता है? नाउ बिकॉज डी इलेक्ट्रॉन एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में चला जाता है. Now, यहां से यहां पे जो जंप है, इस जंप को कहा जाता है डी डी ट्रांजिशन. ओके डी डी ट्रांजिशन. सिमिलरली ओके, अब ये कौन सा कलर अब्सॉर्ब करेगा, जैसे यहां पे मैंने एग्जांपल दिया इट अब्सॉर्ब्स ग्रीन कलर, ये कौन सा कलर अब्सॉर्ब करेगा वे डिपेंड अपॉन दिस एनर्जी डिफरेंस. ये एनर्जी डिफरेंस पे डिपेंड करेगा आपका. अगर जो ये एनर्जी डिफरेंस रेड कलर से मैच कर जाता है तो ये रेड कलर को अब्सॉर्ब करेगा. अगर जो ये एनर्जी डिफरेंस वॉयलेट कलर से मैच कर जाता है तो दिस विल अब्सॉर्ब वॉयलेट कलर. ओके सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. जैसे फॉर एग्जांपल क्रोमियम प्लस थ्री है. ओके नाउ क्रोमियम प्लस थ्री जो है, क्रोमियम प्लस थ्री का जो कन्फिग्रेशन होगा दिस विल बी आर्गन 3d3. ओके क्योंकि क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 3d5 4s1, तीन इलेक्ट्रॉन हटा दो तो ये कॉन्फ़िगरेशन बचेगा. नाउ अगेन इन दिस केस ये दो ग्रुप्स आप बना दो, सो यू हैव 1 2 3. ओके नाउ इन दिस केस मान लो यहां पे आप वापस व्हाइट लाइट डालते हो विप क्योर. ये जो आप व्हाइट लाइट डालते हो तो यहां पे क्या होगा कि अगर जो मान लो यहां से यहां का ये जो एनर्जी डिफरेंस है, लेट्स अज्यूम दैट दिस एनर्जी डिफरेंस इज इक्वल टू द एनर्जी ऑफ द रेड कलर. सो इफ दिस एनर्जी डिफरेंस इज इक्वल टू द एनर्जी ऑफ द रेड कलर तो ये जो रेड कलर है ये अब्सॉर्ब कर देगा. तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर जैसे ही जम करेगा इट विल अब्सॉर्ब रेड कलर. तो फिर जो लाइट बाहर निकलेगी इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वी आई बी जी वाई ओ. नाउ ये जो कॉम्बिनेशन है वॉयलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो एंड ऑरेंज, ये जो कॉम्बिनेशन है ये कॉम्बिनेशन का कलर क्या होगा? सो रेड कलर अगर जो आपका अब्सॉर्ब हो जाता है तो जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर है दैट इज ग्रीन, तो ये कॉम्बिनेशन वुड बी ग्रीन. तो आपको ये सी आर प्लस थ्री जो आयन है दिस आयन विल अपियर ग्रीन टू यू. सो इस तरह से ये डी डी ट्रांजिशन स्पेशली ये डी डी ट्रांजिशन के वजह से दीज आयन्स, ये जो डी ब्लॉक आयन्स है दीज डी ब्लॉक आयन्स आर कलर्ड. ओके फाइन नाउ हमें ये तो पता है कि कौन सा कलर अब्सॉर्ब होगा वे डिपेंड अपॉन दिस एनर्जी डिफरेंस. सो नाउ लेट्स ट्राई टू सी कि ये एनर्जी डिफरेंस कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता. सो ये जो आपका एनर्जी डिफरेंस है दिस एनर्जी डिफरेंस डिपेंड्स अपॉन दी वेरियस फैक्टर्स. सो जो पहला फैक्टर है इट डिपेंड्स अपॉन योर मेटल आयन. ओके सेकेंड इट डिपेंड्स अपॉन द चार्ज टू साइज रेशियो ऑफ मेटल आयन. ओके फर्स्ट दो फैक्टर्स दे आर बेसिकली रिलेटेड टू ईच अदर. थर्ड इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द एन आयन टू विच इट इज अटैच्ड.
टू विच मेटल आयन इज अटैच्ड. ठीक है. सो ये जो फैक्टर्स है ये तीन. अच्छा, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल. सो ये जो चार फैक्टर्स है, दीज फोर फैक्टर्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. ये जो चार फैक्टर्स है दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो फर्स्ट वन इज मेटल आयन, सेकेंड वन इज बेसिकली चार्ज टू साइज रेशियो ऑफ द मेटल आयन, थर्ड वन इज बेसिकली द एनायन ऑन विच टू विच मेटल आयन इज अटैच, एंड फोर्थ वन इज ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल. कई बार इस एनायन के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है दैट इज लिगंड. हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे इस लिगंड का मीनिंग क्या होता है. ओके. सो इन चार फैक्टर्स के ऊपर ये एनर्जी डिफरेंस डिपेंड करता है, एंड ये एनर्जी डिफरेंस डिसाइड करता है कि कौन सा कलर यहां से अब्सॉर्ब होगा. ओके. सो इवेंचुअली आई कैन से द कलर ऑफ द कंपाउंड डिपेंड्स अपॉन दीज फोर फैक्टर्स. ओके फाइन. ओके. अब ना इसी के बेसिस पे, इसी थियोरी के बेसिस पे हम लोग ये कह सकते हैं कि स्कैंडियम प्लस थ्री वाइट क्यू होता, जेड एन प्लस टू व्हाइट क्यू होता. ये दोनों व्हाइट होते हैं ये आयन्स. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई दे आर व्हाइट. स्कैंडियम प्लस थ्री का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर्गन 3d0. नाउ व्हेन आई से आर्गन 3d0, ये अगर जो आपका डी डी ट्रांजिशन आपको करना हो तो डी डी ट्रांजिशन के लिए 3d0 है ना. 3d0 है मतलब यहां पे तो इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है. इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है तो आप इस पे लाइट डालोगे भी तो भी यहां से यहां पे कोई जम करने के लिए है ही नहीं, तो लाइट अब्सॉर्ब होगी ही नहीं. तो आप अगर जो इस पे व्हाइट लाइट डालते हो विपग्योर, तो यहां से व्हाइट लाइट ही वापस एमिट हो जाएगी क्योंकि कोई भी कलर अब्सॉर्ब नहीं हो पाएगा. सो दैट इज व्हाई स्कैंडियम प्लस थ्री वुड बी व्हाइट इन कलर. उसी तरह से Zn+2 का कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 3d10. व्हेन आई से आर्गन 3d10 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सारे के सारे ऑर्बिटल्स भरे हुए. तो आप मान लो इस पे व्हाइट लाइट डालते भी हो YOR, तो यहां से इलेक्ट्रॉन लाइट अब्सॉर्ब करके यहां पे तो जा ही नहीं सकता क्योंकि ये तो पूरा भरा हुआ है. ओके. तो इसके ऊपर जो एनर्जी स्टेट अवेलेबल है दैट इज 4s, बट वो बहुत ज्यादा ऊपर है. तो ये जो कलर्स हैं, इन कलर्स की किसी भी कलर्स में किसी भी कलर की एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं होती कि इलेक्ट्रॉन यहां से अब्सॉर्ब होके यहां पर चला जाए. ओके. सो दीज इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट अब्सॉर्ब एनी कलर. ओके. क्योंकि दीज कलर्स डू नॉट हैव इनफ एनर्जी टू टेक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हियर टू हियर. यहां से यहां पे जाने की कैपेसिटी किसी भी कलर में नहीं होती, एंड यहां से यहां पे जा नहीं सकता क्योंकि ये भरा हुआ है. सो अगेन दैट इज वाई Zn+2 विल नॉट अब्सॉर्ब एनी कलर. ये कोई भी कलर अब्सॉर्ब नहीं करेगा. तो यहां से जो लाइट एमिट होगी वो भी विबग्योर होगी. ओके. एंड बिकॉज जो लाइट एमिट होगी वो भी विबग्योर ही होगी, तो ऐसे केस में दिस वुड बी, व्हाट डू यू से, हाँ, ये व्हाइट लाइट वापस एमिट होगी. सो दैट इज व्हाई Zn+2 इज व्हाइट इन कलर. तो आपको अगर जो पूछा जाए कि वायर जिंक कंपाउंड्स व्हाइट इन कलर, तो आपको ये लिखना है कि Zn+2 हैज दिस कन्फिग्रेशन Ar 3d10. ओके. जिंक कंपाउंड व्हाइट क्यों होता है, क्योंकि जिंक हमेशा Zn+2 आयन बनाता है. Zn+2 हैज दिस कन्फिग्रेशन, एंड इस कन्फिग्रेशन के वजह से डी डी ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल. ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, ये जो डी डी ट्रांजिशन है, दिस डी डी ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल. ओके. ओके. नाउ ये जो एनर्जी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, ये जो एनर्जी डिफरेंस है डेल्टा ई, ये एनर्जी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतनी
लाइट की एनर्जी भी ज्यादा होनी चाहिए. सो इफ द एनर्जी डिफरेंस इज मोर, ये जो आयन है इट विल अब्सॉर्ब मोर एनर्जेटिक लाइट. हाँ, ये जो लाइट के कलर्स है विप प्योर, इसमें से सबसे एनर्जेटिक कलर कौन सा होता है, कौन से कलर की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है? सो सबसे ज्यादा जो एनर्जी होती है वो ये वॉयलेट कलर की होती है. आप इस डायरेक्शन में जाते हो तो एनर्जी इंक्रीजेस. सो क्या होगा पता है, ये अगर जो आपका स्टार है, ओके दिस इज योर स्टार, वॉयलेट ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड, तो जैसे जैसे ये एनर्जी गैप बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो कलर ऑब्जॉर्ब हो रहा है वो और ज्यादा एनर्जेटिक कलर ऑब्जॉर्ब होगा. तो आप उस तरह से क्या होगा कि आप धीरे 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 वॉयलेट की तरफ जाओगे. ओके सो आप जैसे जैसे कलर ऑब्जॉर्ब जो हो रहा है, आप जैसे जैसे वॉयलेट की तरफ, ब्लू और वॉयलेट की तरफ जाते हो, आपका जो कंपाउंड है वो येलोइश ऑरेंज दिखाई देगा. ओके सो नाउ आई कैन से दिस, एज मोर एंड मोर एनर्जेटिक लाइट गेट्स अब्सॉर्ब द कंपाउंड बिकम्स येलोइश ऑरेंज और इट बिकम्स ऑरेंजेश कलर. ओके नाउ इसके अलावा देर आर सम कंपाउंड और सम आयन्स विच आर कलर्ड. ओके एंड वो डी डी ट्रांजिशन से आप उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, जैसे MnO4-. इसके अंदर अगर जो आप मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +7. मैंगनीज +7 का कन्फिग्रेशन जो होता है दैट इज आर्गन 3D0. अब मैंने आपको कहा था कि 3D0 व्हाइट होता है, इट शुड बी व्हाइट राइट, बट MnO4- इज नॉट व्हाइट इन कलर, इट इज पिंकिश पर्पल, ये पर्पल कलर होता है. सो नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर जो 3D0 है तो इसके अंदर कलर कहां से आ रहा है? श्योरली कलर DD ट्रांजिशन से नहीं आ सकता, क्योंकि DD ट्रांजिशन D0 और D10 के केस में पॉसिबल ही नहीं है. ओके D0 एंड D10 के केस में दिस DD ट्रांजिशन इज नॉट एट ऑल पॉसिबल. ओके सो नाउ वी विल गो सी कि वी विल ट्राई टू सी कि इसमें कलर आता कहां से. सी कलर यहां से आता है, MnO4-, मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट इज +7. ओके दिस इज अ वेरी वेरी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट. MnO4- इज अ कोवैलेंट कंपाउंड, O-, दिस इज अ कोवैलेंट इन नेचर, ये आयोनिक नहीं हो सकता क्योंकि मैंगनीज पे +7 चार्ज बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है. हम लोगों ने लास्ट ईयर फजान्स रूल्स देखे थे, हमने ये कहा था कि कोवैलेंट नेचर जो होता है, दिस कोवैलेंट नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑन कैटायन. कैटायन पे जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा उसका नेचर कोवैलेंट होगा. सो दिस इज कोवैलेंट. ओके नाउ बिकॉज इस पे चार्ज +7 है तो कई बार क्या होता है कि इस ऑक्सीजन पे ये जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ओके 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन है वो वहां से यहां पे शिफ्ट हो जाता है. ओके इसको कहा जाता है चार्ज ट्रांसफर. सो नेगेटिव चार्ज जो यूजुअली हम लोग कहते हैं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन पे होता है, बट वो चार्ज ट्रांसफर के वजह से यहां पे शिफ्ट हो जाता है. एंड ये जो चार्ज ट्रांसफर है ना, ये चार्ज ट्रांसफर विल डिपेंड अपॉन चार्ज टू साइज रेशियो, रेशियो ऑफ मेटल आयन. हाँ, इस चार्ज ट्रांसफर के वजह से पहले जो इसका कॉन्फ़िगरेशन 3D0 था, अब 3D0 के जगह पे अब इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा दैट विल बिकम सिमिलर टू 3D1. अब D1 आया तो D1 के वजह से क्या होगा, यहां से यहां पे ये DD ट्रांजिशन पॉसिबल हो पाएगा ना. सो बेसिकली आई कैन से इन दिस केस ये जो कलर होता है, द कलर ऑफ दिस आयन इज नॉट एक्चुअली ड्यू टू DD ट्रांजिशन, बट इट इज बेसिकली ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर. ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, तो जिसके वजह से मैंगनीज का कॉन्फ़िगरेशन जो था दैट इज आर्गन 3D0
से 3D1 में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, ये सिमिलर चार्ज ट्रांसफर आपको और केसेस में दिखाई देता है, जैसे V2O5, इसमें वेनेडियम प्लस 5 है, वेनेडियम प्लस 5 का अगेन कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3D0 है, बट बिकॉज ऑफ वेरी हाई चार्ज यू गेट टू सी चार्ज ट्रांसफर इवन इन दिस केस। वैसे ही Cr2O7 2- आयन या Cr O4 2- आयन, ये आपका होता है डाइक्रोमेट आयन एंड ये होता है आपका क्रोमेट आयन, सॉरी ये क्रोमेट होता है क्योंकि एक ही क्रोमियम है, दिस इज योर डाइक्रोमेट। ओके, नाउ दोनों केसेस में अगर जो आप क्रोमियम पे चार्ज देखोगे तो क्रोमियम पे जो चार्ज होता है दैट इज +6 एंड क्रोमियम +6 का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है दैट इज आर्गन 3D0। बट बिकॉज क्रोमियम पे चार्ज +6 बहुत ज्यादा चार्ज होता है तो यहां पे भी जो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे होता है दैट वन इलेक्ट्रॉन गेट्स ट्रांसफर टू क्रोमियम एंड इस केस में चार्ज ट्रांसफर के वजह से डाइक्रोमेट आयन इज कलर्ड। सो ये दोनों आयन जो होता है वो कलर्ड होता है। सो यहां पे भी कलर DD ट्रांजिशन के वजह से नहीं आता, यहां पे भी जो कलर है वो चार्ज ट्रांसफर के वजह से कलर आता है। इसी तरह से और एक एग्जांपल है दैट इज Cu2O। नाउ Cu2O इज आल्सो कलर्ड, ओके, Cu2O इज आल्सो कलर्ड, इसमें कॉपर पे जो चार्ज होता है दैट इज +1। सो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है दैट इज आर्गन 3D10। नाउ वैसे 3D10 कलरलेस होना चाहिए बट यहां पे भी चार्ज ट्रांसफर होता है एंड ड्यू टू द चार्ज ट्रांसफर Cu+1 बिकम्स कलर्ड। ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चार्ज ट्रांसफर, ये चार्ज ट्रांसफर क्या होता है एंड चार्ज ट्रांसफर के वजह से क्या होता है कि इवन दो यू हैव D0 या D10 कॉन्फ़िगरेशन स्टिल दीज कंपाउंड्स और दीज आयंस बिकम कलर्ड। हर एक D0 या D10 में चार्ज ट्रांसफर नहीं होता, कुछ सिलेक्टिव केसेस ही होते हैं जिनके केस में चार्ज ट्रांसफर हो पाता है। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, ये जो चीज है ये आपको समझ में आ गई है। ओके, ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ये कलर का जो कंसेप्ट है एंड दैट इज वाई ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो सारे कंपाउंड्स होते हैं ना उनके प्रोमिनेंट कलर्स होते हैं, दे आर हाईली कलर्ड। ओके, ठीक है, अब और जो प्रॉपर्टीज है, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, कैटेलाइटिक प्रॉपर्टीज है, दोज प्रॉपर्टीज आर रिलेटिवली सिंपल टू अंडरस्टैंड, इन प्रॉपर्टीज को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, के देन, बाय एवरीवन।